हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज का सवाल एक हमारे व्यूवर का है और इन्होंने पूछा है कि तीन या चार टेबल्स हों तो उनमें रिलेशनशिप कैसे क्रिएट कराई जाए। तो आज इन्हीं के सवाल पर आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं, यहाँ से क्लिक करते हैं और यहाँ से एक्सेस को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर एक्सेस का 2021 यूज कर रहा हूँ मैं। आपके पास अगर 2007 है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं एज अ रिलेशनशिप क्रिएट कराने के लिए, उसको भी यूज किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास 2007 है तो चलिए मैं 2007 ही ओपन कर लेता हूं क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास 2007 ही होता है। तो चलिए यहां से ओपन करते हैं और एक टेबल बनाएंगे। तो ब्लैंक डेटाबेस पे चलेंगे, क्लिक करेंगे इस पे और यहां पर चाहे तो टेबल का नाम, ये जो डेटाबेस का नाम आ रहा है वो चेंज कर सकते हैं, टेबल नहीं बल्कि डेटाबेस का नाम चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, अब यहां पर क्रिएट पे क्लिक करना है और यहां पर ये इस तरीके से आएगा। तो यहां पर तो अब आप एंटर कर नहीं पाएंगे, कोई रिकॉर्ड लिखने की कोशिश करेंगे तो लिख ही नहीं पाएंगे। तो कैसे लिखेंगे फिर? तो लिखने के लिए आपको व्यू पे जाना है और यहां से डिजाइन व्यू पे जाना है और इस टेबल को एक नाम दे देता हूं, रजिस्ट्रेशन टेबल। क्या नाम दे दिया? रजिस्ट्रेशन टेबल। तो ये हमने बना लिया रजिस्ट्रेशन टेबल और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे अब देखिए, ये जो है प्राइमरी की है, प्राइमरी की यानी कि ये यूनिक की है, इसमें जो भी वैल्यूज आएंगी वो यूनिक ही आएंगी। तो यहां पे लिख देता हूं रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर आईडी, तो ये रजिस्ट्रेशन आईडी हो जाएगी। और यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पे चेंजेस करता हूं, यहां पे मैं टेक्स्ट रख लेता हूं। ठीक है, और यहां पे क्या करेंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट कर देंगे, तो ये नेम लिखा। या फिर यहां पे क्या कर देता हूं, यहां पे लाइक मैं लिख देता हूं, नेम ऑफ स्टूडेंट ही कर देते हैं, ये नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट्स कर दिया। ठीक है, स्टूडेंट, तो ये नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया है और यहाँ पे भी टेक्स्ट ही डेटा टाइप रहेगा और ये इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले जो कॉलम बना हुआ है उसमें रजिस्ट्रेशन आईडी आएगी और नेम ऑफ स्टूडेंट में नेम ऑफ स्टूडेंट आएगा। तो मैं यहाँ पे R01 रजिस्ट्रेशन आईडी लिखता हूँ और नेम ऑफ स्टूडेंट में लिख देता हूँ रितेश। ठीक है, तो यहाँ पे रितेश होगा, RITESH, तो ये हो गया रितेश। ठीक है, और यहाँ पे R02 होगा और यहाँ पे होगा सोनू, दूसरा नाम लिख दिया सोनू। ठीक है, तो क्या हम ये रजिस्ट्रेशन आईडी रिपीट कर सकते हैं? तो यहाँ पे रिपीट करने की इजाजत आपको नहीं है, आप करके देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, मैं करके दिखा रहा हूँ। एक और नाम उर्मिला, ये नाम लिख दिया हमने, लेकिन देखिए ये जो है एक्सेप्ट नहीं कह रहा है ना कि द चेंजेस यू आर रिक्वेस्टेड टू द टेबल वर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यू इन द इंडेक्स प्राइमरी की। तो प्राइमरी की हमने इसे बनाया है और अगर आप इसमें डुप्लीकेट वैल्यू एंटर करेंगे तो ये लेगा नहीं, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ये तीसरा नाम हो गया। अब यहाँ पे चौथा नाम R04, ये चौथा नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, लाइक हेना लिख दिया, एक नाम और हो गया। तो ये एक रजिस्ट्रेशन की टेबल हमने बना दी है, देख सकते हैं किस तरीके से बनी है, इसमें कुछ रिकॉर्ड भी इंसर्ट करा दिए हैं। अब दूसरी जो टेबल बनेगी वो स्कूल की टेबल बनेगी या स्टूडेंट की टेबल बनेगी, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट और फिर यहाँ पे टेबल, तो ये हो गया स्टूडेंट टेबल। और स्टूडेंट टेबल लिखने के बाद यहाँ पर स्टूडेंट का जो आईडी होगा वो आएगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी कर देते हैं, ये हो गया स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, तो यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी आएगी। तो यहाँ ऑटो नंबर ही रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट आप दे सकते हैं, लेकिन नेम ऑफ स्टूडेंट ऑलरेडी हमने रजिस्ट्रेशन वाले टेबल में दे रखा है तो यहाँ पे वो नहीं देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट की सिटी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से सिटी आ जाएगा और यहाँ पे टेक्स्ट डेटा टाइप रख करके यहाँ से इसको ओके करते हैं, तो ये हो गया। लेकिन इसमें एक फील्ड कॉमन रखना जरूरी है, तो हम यहाँ पे कॉमन क्या रखेंगे, रजिस्ट्रेशन आईडी। तो ये लिखा रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे अंडरस्कोर लगा के आईडी, तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन आईडी। और इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, क्योंकि इसका डेटा टाइप इसके डेटा टाइप से मैच करना चाहिए। ये जो रजिस्ट्रेशन वाली टेबल है ना, इसमें जो रजिस्ट्रेशन आईडी का डेटा टाइप होगा वही डेटा टाइप आपको यहाँ पर भी रखना है, तो ये बात आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पे टेक्स्ट डेटा टाइप हो गया और यहाँ पर वही चीज रखना है आपको जो वहां पे रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सिटी का नाम मान लीजिए मैंने दे दिया देवरिया, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ये देखिए पूरा कभी कभी दिखाई नहीं देता है, तो यहाँ से आपको बड़ा कर लेना है। ये R01 था पहले, ठीक है, फिर यहाँ पे सेकेंड वाले में R02, जैसे मान लीजिए सिटी देवरिया ही हो तो यहाँ पे R02 कर देते हैं, फिर यहाँ पे सिटी की बात करें तो यहाँ पे सिटी देवरिया ही कर देते हैं, और यहाँ पे R03 हो जाएगा। इस तरीके से ये था, ठीक है, इस बार सिटी गोरखपुर कर देते हैं, तो ये हो गया गोरखपुर। ठीक है, और यहाँ पे R04 कर देते हैं, तो ये इस तरीके से हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसको सेव कर लेना है और इन दोनों को क्लोज कर देना है। ठीक है, तो ये कुल मिला के कितनी टेबल्स बन गई, दो टेबल्स बन गई। अब तीसरी टेबल हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो तीसरी टेबल कौन सी टेबल होगी, वो इंस्ट्रक्टर की टेबल होगी। ठीक है ना,
तो यहां पे जाएंगे क्रिएट पर, और क्रिएट पे जाने के बाद क्या करना है आपको, टेबल पे जाना है, और टेबल पे जाने के बाद व्यू पे क्लिक कर दीजिए। यहां पे इंस्ट्रक्टर टेबल, इंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्टर का मतलब जो आपको सिखाता है, जो आपका टीचर होता है वही आपका इंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्टर, ठीक है, टेबल टी ए बी एल ई, तो ये इंस्ट्रक्टर टेबल बनाया हमने, और यहाँ पे आई एन एस टी आर यू सी टी ओ आर इंस्ट्रक्टर की आईडी आएगी, तो ये हो गया इंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर आईडी, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर आईडी आएगा, और इसका डेटा टाइप भी हम क्या रख लेते हैं, टेक्स्ट रख लेते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा, इंस्ट्रक्टर का नेम आएगा इंस्ट्रक्टर, टी आर यू सी टी ओ आर इंस्ट्रक्टर नेम कर देते हैं अंडरस्कोर लगा के, इंस्ट्रक्टर नेम, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर का नेम आएगा, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर का नेम दे देंगे हम, और ये प्राइमरी की रहेगा ऊपर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इंस्ट्रक्टर का जो है सपोज कीजिए क्लास, यहाँ पे कर देता हूँ क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास ए बी सी तीन क्लासेस हम बना लेते हैं, तो यहाँ से लुकअप विजर्ड पे जाके यहाँ से इस पे जाके सेकेंड वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पे पहला कर दिया ए, दूसरा कर दिया बी, और तीसरा कर दिया सी, यानी क्लासेस तीन टाइप के होंगे और वो लिखने की भी जरूरत अब आपको नहीं है, ठीक है। यहाँ से इस पे गए और यहाँ से यस कर सकते हैं, लेकिन एक चीज इसमें और करनी है हमें, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट आईडी हमें देनी होगी, तो यहाँ पे दे देते हैं स्टूडेंट आईडी, क्योंकि इस वाले टेबल में जो कि स्टूडेंट की टेबल है इसमें आपको स्टूडेंट आईडी भी दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, इंस्ट्रक्टर वाले टेबल में स्टूडेंट आईडी एक फील्ड रखना होगा, और इसका डेटा टाइप हम नंबर रखेंगे, और यहां से चलेंगे और यहां से यस कर देंगे, तो ये काम हो गया है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर की आईडी देनी है, तो जैसे के 001 कर दिया, ये इंस्ट्रक्टर आईडी हो गई, और यहाँ पे इंस्ट्रक्टर का नेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं राम प्रसाद, राम प्रसाद, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्टर का नेम हो गया, और यहाँ पे इंस्ट्रक्टर का क्लास आएगा, तो ये क्लास ए कर दिया हमने, और यहाँ पर वन कर दिया रोल स्टूडेंट आईडी, ठीक है। फिर के 002 हो जाएगा, ये हो जाएगा इंस्ट्रक्टर आईडी, और यहाँ पर गौरव तिवारी कर देते हैं, ये गौरव तिवारी, ये जो है सेकेंड जो है इंस्ट्रक्टर है, और इनकी इंस्ट्रक्टर आईडी कुछ अलग होगी जो कि आपको दिख ही रही है, और ये भी क्लास ए के हैं, तो यहाँ पे ए लिख दिया, ठीक है। तो ये और स्टूडेंट आईडी सेकंड हो गई। अब यहां पे देखिए के 003 कर देते हैं, ये जो है ये है हिना खान, ये भी इंस्ट्रक्टर आईडी इनकी क्या है, यहाँ पे हिना खान कर देते हैं, इनकी जो है इनका क्लास मान लीजिए सी है, ठीक है। और इनकी जो ये जो है जो स्टूडेंट आईडी यहाँ पे देखिए एक फील्ड कॉमन मैंने दे दिया स्टूडेंट आईडी, ठीक है। तो ये लोग जो है एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को टीच कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे स्टूडेंट आईडी वन वाले को कौन टीच कर रहा है, ये राम प्रसाद टीच कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट आईडी टू वाले को कौन टीच कर रहा है, गौरव तिवारी टीच कर रहे हैं। स्टूडेंट आईडी थ्री वाले को कौन टीच कर रहा है, हिना खान टीच कर रही है। तो ये इस तरीके से मैंने कर दिया, ठीक है। आप इसमें कुछ और भी विकल्प दे सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल रिलेशनशिप को क्रिएट कराने के लिए मैंने ऐसा किया है। अब क्या करना है आपको, क्रिएट पे जाना है, और यहां पर क्रिएट पे ना जाके बल्कि डेटाबेस टूल्स पे चलना है, और यहाँ पे रिलेशनशिप पे जाना है, और यहाँ पे तीनों टेबल्स को ले लेना है। आप चाहे तो चार टेबल पांच टेबल भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल तीन ही टेबल लेते हैं हम, और यहाँ पे इसको बंद करते हैं इस तरीके से। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्टूडेंट आईडी आपको दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी दिख रही है, ठीक है। तो एक फील्ड कॉमन होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आईडी और ये रजिस्ट्रेशन आईडी, यहाँ पे देखिए एक फील्ड कॉमन है, तो ये जो रजिस्ट्रेशन आईडी है इसको उठा करके हम यहाँ रख देते हैं इसके सामने, और यहाँ पर तीनों पे टिक कर देना है आपको, इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स, कास्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स, तो इन तीनों पे टिक कर देंगे तो ये रिलेशनशिप बिल्ड हो गई। अब ये जो इंस्ट्रक्टर आईडी है ये किस में जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्टर आईडी के लिए तो कुछ बना नहीं है, स्टूडेंट आईडी के लिए जरूर बना है, तो यहाँ से आप चाहे तो स्टूडेंट आईडी को लिंक करा सकते हैं इस तरीके से। तो ये गए और यहाँ पे इन तीनों पर टिक करके और यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, तो ये रिलेशनशिप बिल्ड हो चुकी है। तो देख सकते हैं इस तरीके से आपको रिलेशनशिप बिल्ड करानी है, चाहे एक टेबल हो चाहे दस, रिलेशनशिप आसानी से बिल्ड हो जाएगी। तो अब यहाँ पर अगर रजिस्ट्रेशन वाले टेबल पे जाते हैं तो स्टूडेंट का नेम आपको दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट की आईडी और उनकी सिटी भी दिखाई दे रही है, और अगर इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर आईडी और इंस्ट्रक्टर का नेम भी आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, और उनकी क्लास भी दिखाई पड़ रही है कि ये किस क्लास के हैं, तो ये तीनों चीज दिखाई पड़ रही है। तो ये फायदा है रिलेशनशिप का, और ऐसे आप 10, 20, 50 टेबल में भी रिलेशनशिप क्रिएट करा सकते हो। कुछ चीजों को आपको बस ध्यान देना है।
उम्मीद करता हूं कि ये पूरी वीडियो आपको जरूर समझ में आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ कोई अगर डिमांड हो तो जरूर बताइएगा कि अगर इसमें कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।